हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग कृष्णा कॉन्शियस में। और मेरा नाम है काव्या बुद्धिराजा और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक है पांडव निर्जल एकादशी। तो एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी तारीख जो कि माधव भगवान श्री कृष्ण की बहुत डियर है, बहुत प्रिय है। पांडव निर्जल एकादशी की अगर हम बात करें तो इस बार की एकादशी 11th ऑफ जून यानी कि 11 जून 2022 को पड़ रही है। ये एकादशी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एकादशी को त्रिस्पृशा एकादशी भी कहा जाता है, यानी कि ये जो एकादशी है वो तीन तिथियों को स्पर्श कर रही है। पहली एकादशी का कुछ हिस्सा, द्वादशी का पूरा दिन और कुछ हिस्सा त्रयोदशी का। इसीलिए इस बार की पांडव निर्जल एकादशी को त्रिस्पृशा महा एकादशी भी कहा जाता है। तो साधारणतः एक वर्ष में यानी कि एक साल में 24 एकादशी आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी का पालन करता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब इन 24 एकादशियों की जो मुख्य, सबसे मुख्य एकादशी है वो है पांडव निर्जल एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस एक पांडव निर्जल एकादशी का दृढ़ता से पालन करता है उसकी बाकी सारी एकादशी, यदि वो नहीं रख पाया किसी भी कारणवश, तो उसे बाकी सारी एकादशियों के भी फल और पुण्य प्राप्त होते हैं। निर्जल का अर्थ होता है बिना जल के या बिना पानी के। तो निर्जल एकादशी का अर्थ हुआ वो एकादशी जिसके अंदर हम पानी तक ग्रहण ना करें। तो एक आइडियल सिचुएशन तो यही रहेगी कि निर्जल एकादशी को हम एकदम दृढ़ता से उसका पालन करें, लेकिन अगर किसी की शारीरिक स्थिति या किसी और रीज़न की वजह से वो निर्जल एकादशी नहीं रख पा रहे तो भी घबराने की बात नहीं है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद का जो एक मेन कंसर्न था वो यही था कि हरि नाम एव केवलम, जो कलयुग है उसके अंदर हमें हरि नाम को ही प्रायोरिटी देनी है। तो निर्जल एकादशी अगर हम रख सकते हैं बेस्ट है, लेकिन अगर हम नहीं रख सकते तो एटलीस्ट हमें ये नहीं करना कि हम बिल्कुल ही एकादशी नहीं रखेंगे। नो प्रॉब्लम, अगर आपकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती तो आप पानी पिए, लेकिन एकादशी व्रत ज़रूर रखें, यानी कि अन्न ग्रहण ना करें। जो वीट होता है, गेहूं होता है, चावल होते हैं, बीन्स होते हैं, एटलीस्ट ये सब आप ग्रहण ना करें। तो अब बात करते हैं कि इस साल की पांडव निर्जल एकादशी जो कि 11 जून 2022 को पड़ रही है, इसको हम फॉलो कैसे करें। तो एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10 जून की शाम 7:18 रहेगा सूर्यास्त का टाइम, यानी कि सनसेट का टाइम। तो 7:18 तक हम प्रसाद पा सकते हैं, अन्न प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। 7:18 10 जून की शाम को, इसके बाद 7:18 के बाद हमें प्रसाद नहीं लेना, अन्न प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना। पानी ले सकते हैं, वी कैन हैव वाटर बट वी मस्ट नॉट हैव प्रसाद। अब हम पानी कब तक ले सकते हैं? एकादशी का जो सनराइज का टाइम है, यानी कि जो 10th जून की शाम 7:18 से लेकर 11 जून को सुबह के 5:23 तक हम पानी ले सकते हैं, क्योंकि 5:23 से एकादशी शुरू हो जाएगी। जो 5:23 है वो सनराइज या फिर सूर्योदय का समय है। तो 5:23 एकादशी वाले दिन से 11 जून को हमारी एकादशी आरंभ हो जाएगी, और अब इसके बाद से हमारी निर्जल व्रत आरंभ है। ना पानी ना प्रसाद, तो ऑब्वियसली बात है नहीं लेना, ना पानी ना प्रसाद। तो 5:23 11 जून एकादशी से द्वादशी तक 12 जून को समय रहेगा, सुबह के 5:22 तक हमारा निर्जल व्रत चलेगा। तो एकादशी जो कि 11 जून सुबह 5:23 से लेकर द्वादशी 12 जून 5:22 तक हमारा निर्जल व्रत रहेगा। इसके बाद पारण का समय है द्वादशी के दिन से, जो कि 5:22 है जैसे मैंने अभी बताया, तो तब से लेकर सुबह के 10:01 तक ये पूरा पारण समय है। तो इसके अंदर पारण समय होता है जिसके अंदर हमें अपना फास्ट को ओपन करना होता है, या फिर फास्ट ब्रेकिंग टाइम भी इसको बोलते हैं। तो अगर आपने पूरी निर्जल एकादशी का दृढ़ता से पालन किया है, यानी कि बिना जल ग्रहण करे आपने एकादशी को फॉलो किया है, तो उस केस में पारण के समय पर आप जल ग्रहण करके अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। यदि आपने जल पीकर एकादशी को फॉलो किया है, यानी कि निर्जल तो नहीं रखी लेकिन आपने बस वाटर के थ्रू अपनी एकादशी को फॉलो किया है, तो उस केस में आप
कोई फल को पाकर अपना एकादशी फास्ट ओपन कर सकते हो। यदि आपने नॉर्मल एकादशी रखी है, इन द सेंस आपने जल ग्रहण किया, और अगर आपने फल या कुछ आहार जैसे पनीर हो गया या कुछ ऐसी वस्तु हो गई, अगर आपने वो पाकर अपना एकादशी का व्रत रखा है, तो उस केस में आप कुछ अन्न प्रसाद ग्रहण करके अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की कि कौन से कौन से दिन तक हमें व्रत रखना है, किस समय से किस समय तक हमारा एकादशी का पारण टाइम है, फास्ट ब्रेक करना है। अब बात करते हैं द एसेंस ऑफ एकादशी की, उसका जो एक कोर सब्सटेंस है वो क्या है। हरि नाम एव केवलम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, डांसिंग, फीस्टिंग नहीं, लेकिन हाँ बाकी सब करने हैं। एकादशी को भक्ति जननी भी कहा जाता है कि अगर हम एकादशी का अच्छे से पालन करें तो हमें भक्ति प्रदायिनी है, वो हमें भक्ति मिलती है उनसे अगर हम एकादशी को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो एकादशी के जो पीछे की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो डिवोटीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री हरि की चर्चाओं में लगाएं, उनके कीर्तन में लगाएं, उनकी चैंटिंग में लगाएं, उनके बारे में सुनने में, श्रवणम, या उनके बारे में बोलने में या रीड करने में लगाएं। तो नॉर्मली क्या होता है, एकादशीज में कहा जाता है कि कम से कम हमें 25 राउंड चांट करने हैं, जप करना है। लेकिन इस दिन जो पांडव निर्जल एकादशी है, क्योंकि ये साल में एक ही बार आती है और इस बार की एकादशी तो त्रिस्पृशा एकादशी, महा एकादशी भी है, जिसका फल हमें थाउजेंड्स ऑफ एकादशीज के बराबर मिलता है शास्त्रों के अनुसार, तो इस बार हमें ट्राई करना चाहिए कि कम से कम हम 64 माला ज़रूर जप करें। तो पांडव निर्जल एकादशी के दिन नॉर्मली डिवोटीज कम से कम 64 माला का जप ज़रूर करते हैं, कुछ कुछ डिवोटीज तो 128 राउंड्स भी करते हैं। तो उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है, एटलीस्ट हम एक दिन तो श्रीहरि के लिए निकाल ही सकते हैं। और इसके अलावा जितना हो सके उतनी रीडिंग करनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, गीता, रामायण, इन सब का हमें पाठ पठन करना चाहिए, और हियरिंग करनी चाहिए। जो डिवोटीज हैं, जो हमारे श्री आचार्य हैं, श्रील गुरुदेव हैं, उनके श्रीमुख से हमें भगवान श्री हरि की गाथाओं को सुनना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, जो कि है भगवान को तुलसी ऑफर करना। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इस एकादशी को हम बहुत सॉफ्ट लीव्स ऑफ तुलसी देवी, उनको हम प्लक कर सकते हैं और उसको वॉश करके उन पर थोड़ा सा चंदन लगा के हम भगवान के श्री विग्रह या उनके जो पट चित्र हैं उनके सामने हम ऑफर कर सकते हैं। तो तुलसी की महिमा तो अनलिमिटेड है, उसके लिए मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी एक वीडियो बनाने का। हमें तुलसी ज़रूर ऑफर करनी चाहिए इस एकादशी को, बहुत 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 सारे सिंस जो हमारे होते हैं, पाप होते हैं, तुलसी देवी उन सारे पापों को नष्ट कर देती हैं, इतनी क्षमता है उनमें। क्योंकि सोचिए ना, एक तुलसी का पत्र ऑफर करने से भगवान कृष्णा, जो कि अनंत शेष पे बैठे थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु बनके एक तुलसी की पावर पे इस पृथ्वी लोक पर आ गए। तो सोचिए उस तुलसी महारानी की कितनी महिमा होगी। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इस पांडव निर्जल एकादशी को दिल से, पूरी दृढ़ता से फॉलो करने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ हमें ट्राई करना चाहिए कि हम प्रे करें कि भगवान कृष्ण हमें भक्ति दें और उनकी सेवा में हम और ज़्यादा एंगेज हो सके। तो हरे कृष्णा, श्री श्री पांडव निर्जल महा एकादशी महा महोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।